हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि कोविड-19 की वजह से सरकार द्वारा ईएमआई मोराटोरियम का लाभ दिया गया है, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कई लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है कि इसके संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उनको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड करने का प्रयास किया है, जिसमें है कि ईएमआई छूट के लिए कैसे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करना है, ये एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ईएमआई का मोराटोरियम एक्सेप्ट करें या ना करें, क्या उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, किस बैंक में अप्लाई करना है जहां से लोन लिया है या जहां से ईएमआई कट रही है, कौन से लोन में ये इफ़ेक्टिव है, ऑनलाइन करना है या मैनुअल करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जानकारी में देने के लिए मैंने इसको बनाया है। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी इसके संबंध में जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि ईएमआई छूट के लिए कैसे अप्लाई करना है। एक चीज़ और कि जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे हो सकता है कि मैंने प्रश्न उत्तर के रूप में इसको लिया है कि आपके प्रश्न का उत्तर कहीं बीच में ही हो, तो कोशिश करें कि अंत तक देखें। पहली चीज़ है कि ईएमआई मोराटोरियम से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए, इसके लिए आपको अपनी ईएमआई को देखना पड़ेगा कि हमारी ईएमआई अभी स्टार्ट हुई हैं रिसेंटली या बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मान लीजिए कि आपकी ईएमआई 5 साल की है और अभी आपको 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है, तो आपको ईएमआई मोराटोरियम से नुकसान हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में आपको मालूम है कि जब ईएमआई स्टार्ट होती है तो उसमें मैक्सिमम पार्ट इंटरेस्ट का होता है और प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम होता है। दूसरा, अगर हम सिनारियो देखें कि हमारा 5 साल का लोन है और हम 4 साल पूरे कर चुके हैं और 5वें साल में चल रहे हैं, तो उस पोजीशन में क्या है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट अधिकतम होता है और इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत कम होता है। तो उस पोजीशन में अगर हम ईएमआई मोराटोरियम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमें फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ ही साथ सभी बैंकों का अपना अपना नियम है, सभी ने अपने अपने हिसाब से इसको बनाया है, इसलिए उसे भी देखना आवश्यक है। आइए आगे देखते हैं कि किस बैंक में अप्लाई करना है, जिस बैंक से लोन लिया है या जिस बैंक से ईएमआई कट रही है। ये कई लोगों ने प्रश्न किया कि हमने स्टेट बैंक से लोन लिया है लेकिन ईएमआई हमारी आईसीआई बैंक से कट रही है या किसी और बैंक से कट रही है, तो हम अप्लाई कहाँ पर करें। देखिए, सीधी सी बात है, आपने जिस बैंक से लोन लिया है उसी बैंक में आपको अप्लाई करना है, जिस बैंक से ईएमआई कट रही है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसी बैंक में एप्लीकेशन देनी है जिस बैंक से आपने लोन लिया है, अन्य किसी बैंक में नहीं देना है। इसके बाद हम देखते हैं अप्लाई ऑनलाइन करना है या मैनुअल करना है। देखिए, आप अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन करें। ऑनलाइन में जब आप जिस बैंक से संबंधित हैं, जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है, उस बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर उससे संबंधित सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक एक करके आप उसको देख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, या उनकी कौन कौन सी कंडीशन है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में अपने को सहज नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो आप मैनुअल भी दे सकते हैं। आप अपनी ब्रांच में जा करके वहाँ से उसकी पूरी जानकारी करें और वहाँ फॉर्म भर करके आप दे दें, जिससे कि आपका ये ईएमआई मोराटोरियम के लिए एप्लीकेशन हो जाएगी। और अगर ऑनलाइन में भी हम बात करें तो आपको केवल अपनी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप केवल ये देना है कि हमें ईएमआई मोराटोरियम एक्सेप्ट करना है, तो आपको केवल उसमें लिख करके दे देना है कि हम ईएमआई देने में सक्षम नहीं हैं या हम ईएमआई मोराटोरियम का लाभ लेना चाहते हैं, लिहाजा हमारे अकाउंट से ईएमआई ना काटी जाए। बस इतना देना ही पर्याप्त होगा और आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं
कि क्या सभी बैंकों के लिए प्रक्रिया एक जैसी है? नहीं, सभी बैंकों के लिए प्रक्रिया एक जैसी नहीं है। हर एक बैंक का अपना अपना प्रोसीजर है, उसके हिसाब से बैंक उसको फॉलो करवाता है। अब आपको चाहिए ये कि आप जिस बैंक से संबंधित हैं उस बैंक की वेबसाइट पर जा करके उसकी प्रक्रिया को विस्तृत ढंग से समझ लें और उसी के अनुसार अपना एप्लीकेशन दें। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप बैंक की ब्रांच में भी जा करके उसकी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। हालांकि इससे संबंधित बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं इससे जिस बैंक से संबंधित ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो एक बैंक का किसी एक बैंक को एक्सेप्ट करते हुए उसके बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जिससे लगभग सभी बैंकों का थोड़ा बहुत अंतर करके होगा। बाकी मैं प्रोसीजर बता दूंगा, जिससे कि आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जा करके उस प्रोसीजर के हिसाब से सारी चीज़ें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर बैंकों का मैं वेबसाइट और सारी लिंक भी आपको दे दूं, लेकिन एक ही वीडियो में देना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें देने पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसमें आपको केवल इससे संबंधित जानकारी दे रहा हूँ और उससे आगे की जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मुझे पता चल सके कि किस चीज़ के विषय में मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि बैंक ने EMI काट ली है तो क्या वापस ले सकते हैं? कुछ बैंकों ने EMI अगर काट भी ली है और आप उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं तो वो वापस भी कर देते हैं। तो ये आपको देखना है कि जो EMI आपकी कट गई है, क्या आप उसको वापस लेना चाहते हैं? अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए उनको अप्लाई करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन जा करके उनको एप्लीकेशन दें कि हम अपनी EMI वापस लेना चाहते हैं, तो बैंक उसको, कुछ बैंक वापस भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं बैंक ने 2 EMI काट ली हैं तो क्या बची हुई 4 EMI के लिए छूट ले सकते हैं? ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है, क्योंकि जब EMI मोराटोरियम आया था तो बहुत सारे लोगों ने ले ली, बहुत सारे लोगों ने नहीं ली, या वो बैंक जा करके उन्होंने नहीं पता किया। उन्होंने ये सोचा कि जब EMI मोराटोरियम आ चुका है तो बैंक अपने आप ही बैंक से ब्रांच EMI नहीं काटेगी, लेकिन उनकी EMI कट गई। जब कट गई तो उनको पता लगा, तो उन्होंने सोचा कि अब आगे के लिए क्या करें। या कुछ लोगों के पास उस समय तो बैंक में बैलेंस था, लेकिन अब चूंकि 3 महीने के बाद 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो अब पोजीशन ये आ गई कि वो देने के लिए अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब सहज नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी 2 EMI काट ली गई हैं तो आप 4 EMI जो बच रही हैं, जिसके 6 महीने के लिए मोराटोरियम दिया गया है, तो आप उसके लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आगे की EMI हमारी ना काटी जाए, तो वो भी सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। इसके बाद एक प्रश्न आता, अगर बैंक से संपर्क नहीं करते हैं तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने बैंक से संपर्क नहीं किया, उन्होंने ये मान करके चलते रहे कि चूंकि EMI के लिए मोराटोरियम आ चुका है, लिहाजा मुझे उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बैंकों ने तो ऑटोमेटिक EMI मोराटोरियम कर दिया, उन्होंने सभी के लिए कर दिया। जितने भी लोन्स उनके यहाँ चल रहे थे, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, बैंक लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, सभी के लिए उन्होंने EMI मोराटोरियम दे दिया। अब अगर आप ऐसी बैंक में हैं तो आपको चाहिए कि अगर आप देना चाहते हैं तो आप उस बैंक से संपर्क करें और उसको बताएं कि हम EMI पेड करना चाहते हैं। अदरवाइज क्या है कि आपको ऑटोमेटिक EMI मोराटोरियम दे दिया गया है। लेकिन अगर आप नहीं देना, कुछ बैंकों ने क्या किया कि उन्होंने आपसे, अगर आपने प्रार्थना की, एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने आपको EMI मोराटोरियम दिया, उसकी छूट दी, और अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दी है या अप्लाई नहीं किया है तो उनको छूट नहीं दी है। तो इस पोजीशन में आपको ये देखना, संपर्क करके ये जानना जरूरी है कि आपकी ब्रांच ने ऑटोमेटिक सुविधा दी है या नहीं दी है। तो अब आपको फिर उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि आपको उसकी छूट का लाभ लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि ये तो आप ही तय कर पाएंगे कि आपको उसको छूट लेने से लाभ हो रहा है या हानि हो रही है।
अगर आपको उससे लाभ हो रहा है तब तो आप लीजिए, अगर लाभ नहीं हो रहा है तो आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप, क्योंकि आपको कोई छूट नहीं दी गई है। ईएमआई मोराटोरियम का मतलब ये है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, बल्कि उसको डिफर्ड किया है, कुछ समय के लिए विलंबित कर दिया गया है। यानी अगर आपने यहाँ पर 6 महीने के लिए ईएमआई मोराटोरियम लिया है तो आगे आपको 6 महीने इंस्टॉलमेंट देनी होंगी। केवल इस 6 महीने में आपको ब्याज देना है और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आपकी इंस्टॉलमेंट आगे के लिए 6 महीने बढ़ा दी जाएंगी। तो आपको बैंक से संपर्क करके ये तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, दोनों तरह की सुविधाएं आपको प्राप्त हैं। अब इससे संबंधित मैं जिस बैंक के संबंध में कमेंट आएगा उससे संबंधित पूरा एप्लीकेशन कैसे खोलेंगे, कैसे फाइल करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसे हम उसको समझेंगे, पूरी जानकारी अपलोड करूंगा। तो एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।